सुबह के 3:20 और हम जा रहे हैं मंदिर पे मणि दर्शन के लिए। सुबह 2:30 बजे ही उठना पड़ा, फ्रेश व्रेश होके हम जा रहे हैं मणि दर्शन के लिए। जैसा कि देख सकते हैं पूरा रोड खाली है और यहाँ मणि दर्शन 3 बजे से सुबह 5 बजे तक ही रहता है, खुलता है गेट, 5 बजे बंद हो जाएगा मणि दर्शन का। तो हमें 3 बजे ही लाइन में लगना था, 3:20 हो चुके हैं, बाकी हमारे पैसेंजर लग चुके हैं लाइन में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं लाइन में लगने के लिए और लाइन में लगने के बाद चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग को जाना है धनुषकोटि वगैरह घूमने, ऑटो वाले से रात में बात हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया। तो अब चलते हैं मणि दर्शन के लिए और मणि दर्शन करने के बाद आते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मणि दर्शन करके निकल चुके हैं धनुषकोटि के लिए और मणि दर्शन में आपको एक स्पेसिफिक पारदर्शी शिवलिंग के आप लोग दर्शन करेंगे। सिस्टम थोड़ा बेकार है, 200 रुपये की लाइन है, 50 रुपये की लाइन है वहाँ पे। दो सागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, शांत महासागर इधर वाला है, हिंद महासागर इधर वाला है, इधर वाले में ही लहर है, इधर वाले में लहर नहीं है। इधर का पानी भी साफ है। हम लोग राम सेतु ऑटो में बैठे हैं, हमारे साथ के पैसेंजर। अभी हम आ चुके हैं राम सेतु, आप देख सकते हैं, ये देखिए राम सेतु तरफ समुद्र है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, बस समुद्र ही दिख रहा। ये हम लोग के साथ आ गए, हम लोग के कुछ कल और हम आ चुके हैं राम सेतु, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर जगह है और कितना सुकून है यार, आप बता नहीं सकते कितना सुकून है। ये देखिए लहरें उठ रही हैं एक तरफ से और ये दूसरी तरफ, समुद्र उतना ही शांत, एकदम शीतल, जैसे इधर कुछ है ही नहीं, एकदम शांत समुद्र। और आप आगे आपको लेके चलते हैं और फिलहाल इंतज़ार करते हैं अपने फैमिली वालों का। और ये देखिए लहरें उठ रही हैं। अभी फ़िलहाल आ चुके हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, इन लोग के साथ हम लोग चलते हैं अब साइट सीन करने। ये पूरा थोड़ा मतलब वो लहर दे रहा है तो ये पूरा शांत है। हाँ, तो अभी चलते हैं हम लोग साइट सीन करने के लिए। आ गए हैं हम लोग राम सेतु, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल आपको लेके चलते हैं आगे। भारत की सीमा के सबसे नज़दीकी जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारतीय सीमा समाप्त होता है, यहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ भारतीय सीमा समाप्त होता है। चलते हैं साइट सीन। शिवांश, ओ शिवांश, ये रहा हम लोग का समुद्र। शिवांश, ओ शिवांश भाई, क्या लाजवाब है। हम लोग आ चुके हैं फिलहाल यहाँ समुद्र पे, देख सकते हैं आप राम सेतु। ओए शिवांश, चल फोटो लेते हैं। अरे चल ना फोटो लेते हैं। अभी राम सेतु हम लोग इन्जॉयमेंट करने के बाद फिर अभी फिलहाल आ चुके हैं हम लोग राम सेतु और ये देख सकते हैं आप लहरें कितनी जोर जोर से इस साइड से उठ रही हैं। हाँ थोड़ा आगे आइए। हो ऐसे लो, अरे हम
फिलहाल हम लोग अब समुद्र के बीच से निकल चुके हैं, वीडियो है, और हम लोग अब चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन धनुषकोटी की तरफ। और ये रहा हमारा समुद्र, एंजॉयमेंट लेते हुए आंटी, मम्मी, आंटी, भाई, आप आओ और विजिट करो यार, विजिट करो राम सेतु, मजे हैं। चलिए चलिए हाँ, विजिट करियो यार, विजिट करो, विजिट करो। ये देखो एक तरफ समुद्र की लहरें खूब तेज उठ रही हैं, और अभी दूसरे साइड में दिखाऊंगा कितनी शांत है वो समुद्र। चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस, हम लोग चलती है वापस। ये रहा हम लोग का राम सेतु का लास्ट पॉइंट, आप इस साइड लहरें देख सकते हो समुद्र की, बट कहीं दूसरे साइड कोई लहरें नहीं उठ रही हैं। वो हो दैट्स अ व्यू, इस साइड जितनी तेजी लहरें दूसरी साइड उतना ही शांत। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आराम से दूसरे, और फिलहाल टाइम हो रहा है हम लोग का 7:05, यहाँ से हम चलेंगे और अब चलेंगे धनुषकोटी, वहाँ से चलेंगे। ये रहा हमारा लास्ट ट्रेन, जैसा कि हम देख सकते हैं हम चल रहे हैं ऑटो पे। हम तो कह रहे हैं भाई यहीं रह जाते हैं, इतना मज़ा आ रहा है यार। आ जा ऑटो वाला, चलो भैया। अभी आ चुके हैं हम लोग धनुषकोटी के चर्च पे, जो कि बाढ़ के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और यहाँ पे समुद्र की कुछ चीजें मिल रही हैं, सीपियां वीपियां भी खा लें। आंटी हम लोग के साथ, सरोज आंटी, क्या भाई ये रहा हमारा चर्च जिसपे पैसा हुआ था खर्च, लेकिन इस टाइम हो चुका है नरक। 10 बजे चेक आउट करेगा बा, अरे सब सामान वहाँ इधर उधर बिखरा हुआ है, आधा वो छोड़ दिए। ये रहा चर्च, आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इसके आगे जस्ट 50 कदम पे ही आप लोग का धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन है, जो 1964 में डिस्ट्रॉय हो गया बाढ़ की वजह से। तो आगे समुद्र ही तो है, खत्म। तो अभी चल रहे हैं हम लोग फिर से चर्च के आगे ही, थोड़ा सा समुद्र है, इसके बाद से हम लोग अपने अगले लोकेशन पे चलेंगे, वो है विभीषण मंदिर। ये है समुद्र का बीच, अच्छा वाला।
जाइए जाइए जाइए। कैमरा रहता ना ड्रोन कैमरा बड़ी शानदार आता। लिया गई विभीषण मंदिर, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले राम सेतु फिर धनुषकोटि अब विभीषण मंदिर। ऑलमोस्ट हमारे भी सारे पैसेंजर क्रू मेंबर्स ही रहे हैं। राम सेतु से 2-3 किलोमीटर आगे मंदिर है। फोटो लेना आनो मत नहीं। अभी हम लोग फिलहाल विभीषण के मंदिर से निकल चुके हैं। यहाँ विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ था और ये गुंडक राम जी का मंदिर है, इसमें विभीषण जी का राज्य अभिषेक किया गया था और हमारे फैमिली वाले भी आ ही गए। हम लोग चलते हैं, यहाँ पे फ़ोटो लेना अंदर मना था तो नहीं लिया और अभी चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। ऑटो में ही हमने अपना स्लीपर उतार लिया था, अब चल रहे हैं आगे। अब चलते हैं आगे का दर्शन कर रहे हैं जी के मंदिर के सामने ही पुल निर्माण का शायद पत्थर रखा गया था, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप भीड़ और शायद राम सेतु है क्या। हाँ देख सकते हैं यहाँ फ्लोटिंग स्टोन होना चाहिए आई थिंक। ये बीच लोगों की वजह से गंदा हो चुका है। इट्स अ फ्लोटिंग रॉक। इट्स अ फ्लोटिंग रॉक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं अब्दुल कलाम म्यूज़ियम, यही पैर चलते हैं। फिलहाल आ चुके हैं हम लोग अब्दुल कलाम म्यूज़ियम। ये छोटा सा मार्केट आपका, ये रहा संघ। चॉकलेट्स अन्ना हाउ मच ₹380 का है भाई ये, लेकिन सुंदर है ये। 255 वाले हैं
का पर्स 105 की ये हाथी मैग्नेट वाली, उसको कहीं चिपका सकते हैं आप। बेल्ट यहाँ पे लकड़ी के खिलौने, पैकेट 250, हाउ मच 60 रुपए की क्यूब्स। इससे कुछ कटेगा भी कि ऐसे ही है ये? क्या करेंगे शोपीस लेके, हाउ मच अन्ना? सिर खुजाने वाला, हाँ ऐसे ये दो भाई, 35 रुपये का ये सही है, 105 150। चला जाए अब्दुल कलाम म्यूजियम, कुछ नहीं बस ऐसे ही घुमा दिए ये लोग कि आपको पसंद आए तो आप ले सकें। 100 पीस चिड़िया, आदि योगी, अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं रामकुंड। यहाँ पानी फ्लो नहीं होता है तो पानी यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन बोला कि पानी सिर पर लगा लो थोड़ा सा। जैसे कि देख सकते हैं रहा रामकुंड, राम तीर्थ नाम है। अब चलते हैं ऊपर, इसके जस्ट रामकुंड के जस्ट सामने है राम जी का मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा राम जी का मंदिर, ये रहा राम मंदिर, और इसके जस्ट बगल में है आपका राधा कृष्ण मंदिर। साइड सीन का जो आप यहाँ सोच रहे हो आने का तो आप आ सकते हो साइड सीन के लिए, ये रहा आपका राधा कृष्ण मंदिर, ये रहा राम मंदिर। चला जाए चला जाए चला जाए, अभी हम लोग आ चुके हैं राम मंदिर के अंदर। अब थोड़ा सा जल्दी आप लोग करेंगे क्योंकि लेट हो रहा है। नहीं, ये रहा राम मंदिर, ये इसका कॉरिडोर छोटा सा, काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये राम दरबार, राम मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं, अब चल रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर। ये रहा राधा कृष्ण मंदिर, अन्ना दर्शन करने के हम लोग। ये रहा राम मंदिर, कृष्ण जी का परिसर, राधा कृष्ण का। आप साइड सीन के लिए अगर जो रामेश्वरम में निकलोगे तो ये सब तीनों एक ही पास है, रामकुंड, राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर। वार नहीं, आ चुके हैं हम लोग पंचमुखी हनुमान।
तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। यहीं पे फ्लोटिंग रॉक भी है, ये रहा एंट्री। ये रहा पंचियों की हनुमान जी का मंदिर, इसमें हम आए तो बगल में ही ये रहा नटराज का मूर्ति, भोलेनाथ नित्य करते वक्त की, ये वो है मंदिर परिसर, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से चलते हैं हम वापस होटल, होटल से चलेंगे लंच करने, होटल चेकआउट करके चलेंगे लंच करने। हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मण कुंड, बाबा पहले इधर से, पहले इधर तब ये लास्ट, इधर से पहले अंदर तब पहले अंदर। ये हम लोग चले अंदर, ये रहा लक्ष्मण कुंड का परिसर। ये सेम टू सेम रामेश्वरम के कॉरिडोर की तरह है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे फोन बंद।